और इस वक्त की बड़ी खबर, टिकरी बॉर्डर पर बेलगाम हुए प्रदर्शनकारी, प्रदर्शनकारियों का पुलिस पर हमला। इस हमले में एक पुलिसकर्मी को बुरी तरह से पीटा गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। गुमशुदा लोगों के पोस्टर लगाने गया था ये कांस्टेबल, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। तो देखिए प्रदर्शनकारियों का हंगामा किस तरीके से अब टिकरी बॉर्डर में देखने को मिल रहा है, जहां पर पुलिसकर्मी के साथ भिड़ गए और इस कदर हाथापाई की कि हेड कांस्टेबल को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, इतनी गहरी चोट। और हरियाणा के रोहतक में गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हुई है। कोच और उसके परिवार पर हमले का शक है। गोलीबारी में बच्चे और उसकी मां समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी है। निजी कॉलेज के पास कुश्ती अखाड़े में ये गोलीबारी हुई है, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर। बिल्कुल, आपको बता दें आपसी रंजिश की वजह से यहां पर गोली चलाई गई थी। रोहतक गोलीबारी मामले में कोचों के बीच झगड़ा हुआ था और देखिए किस तरीके से आपसी रंजिश की वजह से यहां पर 5 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा के रोहतक में फायरिंग की एक घटना सामने आई है। मेहर सिंह अखाड़े में हुई फायरिंग की इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है पुरानी रंजिश के चलते ये घटना हुई। पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक फायरिंग की घटना शुक्रवार को हुई। फायरिंग की इस घटना में 7 लोगों को गोली लगी। गोली लगने से प्रदीप मलिक, पूजा और साक्षी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। फायरिंग की इस घटना को लेकर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जाट कॉलेज में फायरिंग की सूचना मिली थी। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, उत्तराखंड में एक नया खतरा पैदा हो रहा है। मलबे की वजह से ऋषि गंगा की मुख्य धारा में अब ऋषि गंगा नदी का पानी एक जगह इकट्ठा हो रहा है। भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम ने जम रही झील को ढूंढ लिया है। झील की लंबाई करीब 400 मीटर बताई जा रही है और ऊंचाई 12 मीटर है। तो देखिए ये उत्तराखंड के एक नया खतरा पैदा होने की खबर हम आपको बताने, जहां पर मलबे की वजह से ऋषि गंगा की मुख्य धारा में थमी। उत्तराखंड में तबाही का एक नया खतरा पैदा हो रहा है। ऋषि गंगा नदी में एक नई झील बन गई है। पहाड़ से टूटकर आए मलबे की वजह से ऋषि गंगा की मुख्य धारा में थम गई है और नदी का पानी एक जगह इकट्ठा होता जा रहा है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की टीम ने ऋषि गंगा नदी में बन रही खतरनाक झील को खोजा है। ऋषि गंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रिज भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। नदी के रास्ते में अवरोध की वजह से ऋषि गंगा की मुख्य धारा आगे नहीं बढ़ पा रही है। झील की लंबाई करीब 400 मीटर है, झील की ऊंचाई 12 मीटर है। हमारे सैटेलाइट के माध्यम से उसे निगाह रखे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो झील की स्थिति है, सावधान रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग ये 400 मीटर लंबी है, गहराई का अभी इसमें ज्यादा अनुमान नहीं आ रहा है। NDRF और SDRF की टीमों को पहाड़ी रास्तों के जरिए उस झील के पास भेजा गया है। NDRF और SDRF की टीम में ऐसे लोग शामिल हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं। चमोली आपदा के बाद राहत और बचाव के काम लगातार जारी है। तपोवन टनल में चल रहे ऑपरेशन में अब तक कामयाबी नहीं मिली है, पर कोशिश लगातार जारी है। चमोली में हुई कुदरती आपदा के बाद राहत के काम लगातार जारी हैं। सबसे बड़ा ऑपरेशन तपोवन टनल में चल रहा है। अब तक लापता 204 व्यक्तियों में से 36 शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 168 लोग अभी भी लापता हैं। कुछ टीमें टनल के बाहर स्टैंडबाई पोजीशन में हैं। आर्मी को ये जिम्मेदारी दी गई है। वहीं रेस्क्यू में NTPC के जवान भी काम कर रहे हैं। मेडिकल टीमें और एम्बुलेंस भी तैयार हैं। उधर तपोवन का झूला पुल टूटने के बाद सेना के वैकल्पिक ट्रॉली को तैयार किया गया है, जिसके जरिए नदी के उस पार 6 दिन से फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ऋषि और धौली गंगा में आए फ्लैश फ्लड के बाद से ITBP की टीम लगातार प्रभावित इलाकों में खोजी अभियान चला रही है, साथ ही प्रभावित इलाकों के लिए राशन वितरण में भी सहयोग कर रही है।
और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर भारत में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रात 10:31 पर भूकंप के से झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, भूकंप से दिल्ली एनसीआर थर्रा गई है, काफी तेज ये झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर समेत समूचे उत्तर भारत में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। झटके इतने तेज थे कि घबराकर कई लोग इलाकों से बाहर निकलते हुए नजर आए। बिल्कुल, अपने अपने घरों से बाहर निकलकर लोग सड़क पर खड़े हो गए क्योंकि भूकंप के झटके काफी तेज थे। ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से बंद पंखा यहां पर हिलने लगा, तो भूकंप के झटके हर एक शख्स ने महसूस किया और अपने अपने घरों से घबरा करके बाहर आ गए। और जो भूकंप का केंद्र है वो तजाकिस्तान बताया जा रहा है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन पैनिक सिचुएशन जरूर बन गई थी। लेकिन लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए और गनीमत यह रही कि किसी की भी जान को नुकसान नहीं पहुंचा है। बीती रात को भूकंप के झटके ने पूरे उत्तर भारत को डरा दिया। डर से लोग घर के बाहर निकल आए, जो जहां था वहीं सहम सा गया। कई लोगों ने अपने आसपास और रिश्तेदारों को फोन कर वहां के हालात की जानकारी लेनी भी शुरू कर दी थी। भूकंप की वजह से दिल्ली एनसीआर थर्रा गया। क्या हुआ, देखा तो भूकंप 6.5। दरअसल शुक्रवार रात 10:31 पर पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का असर दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब में दिखा। भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान था, जहां रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3% मापी गई, जबकि अमृतसर में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 दर्ज की गई। वहीं भूकंप के झटकों पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर किसी भी तरह की कोई नुकसान की बात से इनकार किया। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों की सलामती की दुआ की। दिल्ली एनसीआर में भूकंप की वजह से लोग सोसाइटी से बाहर निकल गए। सड़कों पर भी लोग गाड़ियां खड़ी कर एक जगह पर खड़े हो गए। दिल्ली में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, ऐसे में लोगों को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।